अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपांकर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? जी हाँ, बिल्कुल मुठभेड़ जारी नहीं है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि कल से जिस तरह से इन आतंकियों को यहाँ पर कुकरनार में घेरा गया था, 6 इंजर्ड हुए थे इसमें कुल मिला के लोग, जिनमें 3 जो है वो आपके सुरक्षा बल इंजर्ड हुए थे और 3 सिविलियंस भी इंजर्ड हुए थे। अब जो अपडेट है उसके अनुसार हमारे 2 फौजी जवानों ने शहादत पाई है। वहीं ये भी एक अपडेट है कि हेलो दीपांकर, देखिए आपसे ये भी जानना और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अनंतनाग में देर रात मुठभेड़ शुरू हुई है, पहले से ही कहीं ना कहीं सेना के जवानों को इनपुट्स मिल गए थे, जिसके आधार पर ये पूरी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था इनपुट्स मिलने के बाद। ऐसे में ये जानकारी आपसे चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं घाटी में, ना केवल अनंतनाग में बल्कि घाटी की तमाम अलग अलग जगहों पर, तमाम इलाकों में मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए कि अचानक से मुठभेड़ इतनी ज्यादा होने लगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? बोल रहे विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं आतंकियों की और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की मंशा है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, और ये जो मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर आतंकी डोडा से यहाँ पहुंचे हैं और फॉरेस्ट एरिया है पीर पंचाल का, 10,000 से ज्यादा फीट हाइट है। अभी जो ताजा अपडेट है, 1 नागरिक की भी इसमें मृत्यु हुई है, 2 जवान हमारे चुके हैं और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये वही इलाका है जहाँ आज से ठीक 1 साल पहले हुआ था, जिसमें हमने अपने एक सीओ, एक मेजर और एक डीएसपी को खोया था। कुकरनाग का यही फॉरेस्ट का इलाका है और काफी ज्यादा घना इलाका बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी बदलता है, बारिश भी हो रही है और बीच बीच हमारे सुरक्षा बल आस्ता आस्ता करके आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आतंकियों की संख्या जो है ये बताई जाती है कि कई आतंकी यहाँ छुपे हुए, 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं, और इस पूरे ऑपरेशन के बाद हमें उम्मीद है कि इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। ठीक है, देखिए हम एक दीपांकर उम्मीद ही फिलहाल कर रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया भी कायम है, लेकिन जिस तरीके से अनंतनाग में या जम्मू कश्मीर में घाटी में आतंकी घटनाएं हो रही है, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है इन पूरी घटनाओं को लेकर? जी हाँ, लगातार मॉनिटरिंग जरूर की जा रही है, और ये भी हम आपको बताते चले कि बड़ी ही सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। ये भी एक अपडेट हम आपको बताए, पिछले अगर आप 2-3 महीने में देखें तो लगातार बैक टू बैक मीटिंग भी हुई थी, और सबसे पहले 3,000 सेना के जवान, उसके बाद 2,000 बीएसएफ को यहाँ बुलाया गया था, उसके बाद आसाम राइफल्स के भी 2,500 जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, यानी कि काफी ज्यादा संख्या में जहाँ एक तरफ हमारे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, वहीं ऑपरेशन भी चलते हैं, सर्च ऑपरेशन भी लगातार रजौरी, छोटा उदयपुर, कश्मीर घाटी में लगातार चल रहे हैं। और ये एक जरूर बात मेंशन करनी होगी कि एक बड़ी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है, एक्सेप्ट फॉर जो 26 जून को डोडा में हमने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा था, तब से लेकर अभी तक हमले हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर हम बात करें 9 जुलाई को हमने देखा है, हमारे जो शिवपुरी पिलग्रिम्स है उन पर हमला हुआ था, 9 हमारे जो श्रद्धालु है उन्होंने शहादत पाई थी, उसके बाद हमला जो है वो हुआ में हुआ, और उसके बाद बाकी जगह पे इस तरह से हमले हो रहे हैं।